जैसे पैटर्न चेंज हो रहा है, चेंज होता रहेगा, जिस तरीके से रिक्वायरमेंट रहेगी उससे पैटर्न चेंज होगा, तो उसी तरीके से आप लोग को पढ़ना भी है, बाकी सर का गाइडेंस मिल ही रहा है। देखिए एक और चीज़ समझना आवश्यक है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है कि आप लोग जिस एज ग्रुप और जो टाइम, अगर आपकी एज ग्रुप को टाइम से जोड़ करके देखा जाए तो ये समझ लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय। जैसे हम लोग हैं या हम लोगों से दो चार साल सीनियर लोग हैं, उनके पास भी टाइम उसी तरीके से है, पर उस टाइम का वो अपने भविष्य को बनाने के लिए अब दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, आपके एजुकेशन के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो समय है वो इस एज ग्रुप के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले समय में आप क्या करेंगे, जो आपके पास योग्यता है या जो आपकी उपलब्धि रहेगी उस उपलब्धि को आप मेंटेन रखेंगे, लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो सीखने की क्षमता है, जो समय है, वो अभी आप लोगों के लिए है। तो एक नैतिक कर्तव्य बोध आप लोगों के अंदर होना चाहिए और इसको महसूस आप लोगों को स्वयं ही करना है। जैसे कोई भी व्यक्ति हम लोग आकर के आप लोगों को एक रास्ता बता सकते हैं, इसके महत्व से परिचित करा सकते हैं, लेकिन उसे महसूस करना आप लोगों को ही है। क्योंकि जैसे हम लोग भी जब इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहे थे तो ऐसा नहीं है कि वहां पे सब लोग एक ही तरीके की पढ़ाई करने वाले होते हैं, वहां भी हर स्तर के लोग होते हैं, और उसमें जो कमिटेड होता है, अपने फ्यूचर को लेकर के जागरूक होता है, अपने सिलेबस के अनुसार, अपने लक्ष्य के अनुसार सिलेबस बनाता है, उसकी तैयारी करता है, परीक्षा के लिए जो ईमानदारी से लगा होता है, तो उसका चयन भी हो जाता है। तो इस तरीके से जो आपका एज ग्रुप है, उस एज ग्रुप में ये समझिए कि आप अपने समय का बेहतर ढंग से प्रयोग कीजिए। अभी जैसे काफी पहले अगर जाकर के आप देखेंगे तो ऐसी सब फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी, इवन कि काफी कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की भी व्यवस्था नहीं होती थी, लोग जो है वो परंपरागत जो है मिट्टी के तेल से बने वाले दिए से जो है पढ़ते थे, अपना जो किसी तरीके से अपना पढ़ाई करते थे, लेकिन पढ़ते थे। तो आज अगर हमें सुविधाएं दी गई हैं, इंटरनेट का एक्सेस दिया गया है, मल्टीमीडिया मोबाइल दी गई है, तो इसका जो सदुपयोग हमें अपने आप को बनाने में करना है, क्योंकि देखिए बनने और बिगड़ने के बीच में बहुत ज्यादा अंतर और समय नहीं होता। जैसे अभी आप लोगों के लिए 3-4 साल का ही अधिकतम समय है, इसमें आप अपनी क्षमता को जो है अपने प्लस पॉइंट बना सकते हैं, और आपके अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद नहीं करनी चाहिए, एक चीज और जान लीजिए, अगर आप ईमानदारी से सोचेंगे कि शायद ये चीज नहीं करना चाहिए तो वो नहीं करना चाहिए। गलत हमेशा गलत ही होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति मूवी देखने की आदत हो गई, वो मतलब प्रतिदिन मूवी देख रहा है, मूवी देखना खराब बात नहीं है, परंतु रोज अगर आप प्रतिदिन देख रहे हैं तो ये निश्चित तौर पर, क्योंकि हर व्यक्ति के पास 24 घंटे का समय ही है, और अगर आपका ज्यादा समय, आपका जो क्वालिटी टाइम हो सकता है पढ़ाई के लिए, अगर वो समय इसमें खर्च हो रहा है तो निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं आप अपने भविष्य के साथ न्याय नहीं कर रहे। तो कोई चीज खराब नहीं है, पर मर्यादित ढंग से, अनुशासित ढंग से, सीमाओं को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को करना चाहिए। इसलिए अपने प्लस पॉइंट बनाने के पहले अपनी माइनस पॉइंट जो होती है उसको भी समझना आवश्यक है, क्योंकि बहुत कुछ चीजें आपको ये भी पता होनी चाहिए हमें ये नहीं करना है, क्या चीज करना है वो तो जानना ही है, पर क्या नहीं करना ये भी जानना है। वही तरीके से जैसे कि पाठ्यक्रम 6 महीने में 8 महीने में आप अपने में अंतर महसूस करेंगे, और जिस भी परीक्षा के लिए आप अपनी दावेदारी पेश करेंगे वहां पर आप अच्छा कर लीजिए। क्योंकि आपको जैसे लगता है, मान लीजिए हम लोग अलग अलग परीक्षाओं को चयनित होकर के अलग अलग पदों पे हैं, या कोई डॉक्टर बन गया है, कोई इंजीनियर बन गया है, कोई सिविल सर्विसेज में अच्छे पोस्ट पर पहुंच गया है, ऐसे देखने में लगता है कि शायद ये यूनिक रहे होंगे या कोई अति विशिष्ट रहे होंगे या इनके पास कोई अलग से बुद्धिमत्ता रही होगी, ऐसा नहीं है। वो सब लोग ही सामान्य होते हैं और इसी तरीके की पृष्ठभूमि से आते हैं, बस केवल ये होता है कि आप अपनी क्षमता का सही दिशा में जो प्रयोग करें, और उस दिशा में अगर आप प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर वो सारे लक्ष्य आपको मिलेंगे जो लोगों ने प्राप्त किया है। तो ऐसा कोई चीज विशिष्ट नहीं होता, और अपने आप को कमजोर कभी मत मानिए, क्योंकि सबसे ज्यादा अपने ऊपर भरोसा करने की जिम्मेदारी आप लोगों को खुद है। यदि आप स्वयं अपने ऊपर भरोसा नहीं करेंगे तो सामने वाला कैसे भरोसा करेगा। बस यही इतना है कि कोई भी एग्जाम अगर सामने है तो जो समय है उस समय का विभाजन आप अपने पाठ्यक्रम के अनुसार कीजिए, पाठ्यक्रम की 2 से 3 बार पढ़ाई कीजिए, अध्ययन कीजिए, पढ़ाई और अध्ययन में पिछली बार शायद हमने बताया भी था अंतर है, तो अध्ययन कीजिए, उसके बारे में सोचिए, तब उस कांसेप्ट को आप ड्यूरेबल बना पाएंगे, और
उसके बाद प्रीवियस ईयर के पेपर साफ कीजिए, एग्जाम नजदीक आ जाए तो मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर लीजिए। यही इतना ही जो है स्ट्रेटजी सबकी होती है और इसी पैटर्न पर अगर मेहनत ईमानदारी से लगे हैं, ईमानदारी का मतलब वही है कि आपको स्वयं महसूस होना चाहिए जो आप पढ़ रहे हैं उसकी तैयारी आपके मस्तिष्क में हो रही है, आप सोच रहे हैं कि ड्यूरेबल है हमारे माइंड में, तो इसी पैटर्न पर आप आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य को जो प्राप्त करने में सफल होंगे। यही सफलता का मूल मंत्र है और वो खुद व्यक्ति को महसूस होगा। जैसे कोई व्यक्ति आपसे पूछता है, 10 लोग परीक्षा लेकर के आए, 10 लोगों से पूछा जाएगा पेपर कैसा हुआ, 10 लोग क्या कहेंगे, मान लीजिए 10 लोग कहते हैं पेपर अच्छा हुआ लेकिन सबके नंबर एक नहीं आएंगे, अलग अलग आएंगे, तो अच्छा की परिभाषा भी अलग अलग होती है। आपको खुद महसूस होना चाहिए कि जो हम अच्छा करके आए हैं वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी की जो डिमांड है उसके अनुसार हम खरे उतर रहे हैं, है? तो यही है जो कोई जिज्ञासा हो तो बात कर सकते हो, जो समस्या हो उनको पूछना हो, क्योंकि अलग अलग परीक्षाओं से संबंधित होंगे आप लोग। वो बना लीजिए जिसमें आपका मन लगे, ऐसा नहीं मन नहीं लग रहा फिर भी आप बैठे हुए पढ़ रहे हो घंटा भर गिन रहे हो तो उससे वो प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा आगे के लिए। आपको लगेगा हमने पढ़ाई की है लेकिन वो एग्जाम में नहीं जाएगा। जब तक आपका मन लगे तब तक पढ़िए, उसके बाद थोड़ा सा और एफर्ट डालिए, थोड़ा सा और पढ़ने का, पर डे कुछ ना कुछ पढ़ाएंगे ना तो धीरे धीरे मन लगना स्टार्ट होगा। कहने का आपको देखते कि पढ़ाई कभी घंटों में नहीं होती है, परंतु जैसे एक जैसे मान लीजिए सिविल का ही एक उदाहरण मान लीजिए, हम एक मानक बना के चल रहे हैं, तो एक बड़ी परीक्षा है उसमें भी मेंस के साथ में कई पेपर लगे होते हैं जो है मेंस में आप जाएंगे उसमें ऑनलाइन ही पढ़ाई पर्याप्त है या ऑफलाइन पढ़ के पूरा किया जा सकता है, इन सभी बिंदुओं को मैंने उसमें 15 मिनट का एक लेक्चर था और आप लोग देख लीजिएगा चैनल पे, अगर नहीं देखे तो मैं बता रहा हूँ। देखिए किताब की जो पढ़ाई है उस पढ़ाई का विकल्प कभी ऑनलाइन नहीं हो सकता, मैं विकल्प की बात कर रहा हूँ यानी टोटली ऑनलाइन नहीं हो सकता। आप जो मैंने बताया कि लक्ष्य आपका है उस लक्ष्य के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम पर आधारित आपके पास स्टडी मटेरियल आपके टेबल पर होना चाहिए, पहली बात मिनिमम इतना होना चाहिए। इसके बाद आपको लगता है कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो शायद किताबों में नहीं मिल रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीजें किताबों में नहीं मिल रहे तो उसके लिए आप जो है ऑनलाइन मोड का जो है सहारा ले सकते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हो सकता है किताबों में उपलब्ध हो पर वो आपको समझ में ना आ रही हो, क्योंकि जब कोई लाइव आपको जो है किसी चीज पर लेक्चर देता है समझाता है तो वो चीजें ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपके पढ़ाई का जो बेस है आधार है वो आपकी किताबें हैं, क्योंकि किताबें बोलती हैं, किताबें आप में जो है क्रिएटिविटी पैदा करती हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्या है, जैसे आपने जो है कोई टॉपिक पढ़ा 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति आपको वो वहां पे 40 मिनट में पढ़ा देगा, लेकिन आप यकीन मानिए 40 मिनट में 1857 की क्रांति पूरी नहीं पढ़ी जा सकती। आप किताबों में पढ़ेंगे, वहां पे कुछ कहानियां होंगी, कुछ एग्जांपल होंगे, किसी का नाम आएगा या कुछ ऐसे भी चीजें होंगी शायद जो लेक्चर में नहीं पढ़ा जाए। तो एटलीस्ट आपको किताबें जरूर पढ़ना, किताब से आप मत हटिए, किताब को आधार बनाइए, उसके बाद आप जो है किताब आप एक बार दो बार पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको लगता है कि किसी परीक्षा के लिए हमें कोई कोर्स लेना है ऑनलाइन तो आप ले लीजिए, लेकिन किताबें जरूर पढ़ना, क्योंकि किताबों के पढ़ने से आपके मस्तिष्क की एक व्यापकता है। ये इंपॉर्टेंट है, किताबें आपको जो है जरूर पढ़ना, जब किताबें आप पढ़ लेते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके सोचने समझने का दायरा बढ़ जाता है, आप किसी विषय पर बोल सकते हैं, और जो ऑनलाइन कंटेंट होता है वो सीमित होता है, उससे आप पूरा नहीं कर सकते। लेकिन वही है कि मैं उसके महत्व को पूरी तरीके से नकार नहीं रहा हूँ, है ना, क्योंकि कुछ चीजें हो सकती हैं कि किताबें पुरानी होती हैं और हर चीजें अपडेट हो रही हैं, समझ में नहीं आता किताब में आता नहीं। हाँ, लेकिन पढ़िए जरूर किताब, दो बार पढ़ लीजिए, उसके बाद अगर आपने कोर्स ले रखा तो कोर्स पढ़िए, और जब अगर 9-10 घंटा पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप सिलेबस अपना पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए दोनों में संतुलन बनाने का प्रयास कीजिए। लेकिन मेरा जहां तक सुझाव है किताब ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं बहुत सारी चीजें मैंने ऑनलाइन संविधान राज्य व्यवस्था सारा पढ़ा दिया है, इकोनॉमी मैंने पढ़ा दिया है और बहुत सारे टॉपिक मैंने पढ़ा रखा है, लेकिन फिर भी मैं हर बार अपने स्टूडेंट को यही बताता हूँ
कि ऑनलाइन पढ़ाई कभी भी जो है आपके पढ़ाई का एकमात्र आधार और विकल्प नहीं हो सकता। किताबें हमसे पढ़िए पर हाँ उसके साथ में आप दोनों भी समझ लें।